बैराड में बुधवार की दोपहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश में हो रहे जिहादी हमलों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिहाद के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार बैराड आर के जोशी को ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल के संयोजक प्रिंस प्रजापति ने बताया है कि देश में जगह जगह जिहाद के नाम पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें खासकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 2 साल में 9 कार्यकर्ताओं की हत्या और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना हो चुकी है। बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन में जिहादी हमलों पर रोक लगाने और इनके विरुद्ध सख्त कानूनी बनाने की मांग की है। वो नहीं दिखा के कार्रवाई उनके ऊपर की गई है, इसके विरोध में आज बजरंग दल उतरा है और देश भर में बजरंग दल ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इन जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जैसे लव जिहाद और हिंदू समाज को धर्मांतरण और हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सब पर कार्रवाई की जावे और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा जिसका जिम्मेदार ये शासन प्रशासन होगा। विश्व हिंदू परिषद बैरंग नल ने जो तहसीलदार महतो को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम पर, उसके संबंध में आप क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक देशव्यापी ज्ञापन है, जिसमें देश भर से बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्ञापन के माध्यम से विरोध जता रहे हैं और देश में जो आए दिन हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, हिंदू समाज को लव जिहाद के षड्यंत्रों में हिंदू समाज की बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है और हिंदू समाज की आए दिन हत्या देखने को मिल रही है। आज असम के करीमगंज जिले में एक हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की गई, निर्मम हत्या बजरंग दल के कार्यकर्ता की गई, उसके बाद भी जिन हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पिछले 2 वर्ष से बजरंग दल के करीब 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई और कोई भी इस तरीके का जो है वो नहीं दिखा के कार्रवाई उनके ऊपर की गई हो, इसके विरोध में आज बजरंग दल उतरा है और देश भर में बजरंग दल ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इन जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जैसे लव जिहाद और हिंदू समाज को धर्मांतरण और